हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, मैं जा रहा हूँ पटना कुछ काम से, तो ब्लॉग में बने रहें और पूरी डिटेल्स आपको मैं वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट स्टेशन पे। तो हमारा सीट आ गया, हमारा गाड़ी आ गया, जाते हैं अपनी गाड़ी पे। कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को, कैसा लगता है आपको। रात भी हो चुका है तो सुबह जल्दी उठना भी है, तो अब जाते हैं, सोते हैं। खाना वाना खा लिया उन्होंने, हाँ गाइस, मैंने माइक लिया है, तो माइक का कैसा आवाज़ आ रहा है आपको, कैसा क्वालिटी आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। बोया का मैंने माइक लिया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना माइक के मैं बनाता था तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता था कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा कैसे वॉइस आ रहे हैं, कैसे इशू हो रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बता। अब हम यहाँ पटना स्टेशन पहुँच चुके हैं। फिलहाल देखिए आप ये पटना स्टेशन का नज़ारा। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन एंड मैं अब जा रहा हूं स्टेशन से बाहर। सो गाइस, ये है कुछ पटना जंक्शन का आपका व्यू देख सकते हैं। देख सकते हैं ये है पटना जंक्शन कुछ, और इसका जो बाहर का नज़ारा है कुछ है जस्ट इसके सामने आप देखेंगे
मंदिर है जस्ट अपोजिट में, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये रहा मेन गेट पटना का। ये जो मंदिर है गाइज आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे देख सकते हैं भाप इंजन वाला जो यहाँ पे है, ये मेन गेट है हनुमान मंदिर का इधर का, और आगे से भी है भाई। बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है यहाँ पे। और जस्ट इसके अपोजिट में आप देखेंगे ओवरफ्लाई है यहाँ पे। सो गाइस अभी आप लोग को मैं बिहार आया हूँ, पटना आया हूँ, तो कुछ वीडियो यहाँ से मैं कवर करूँगा। तो अपकमिंग जो वीडियो रहेंगे आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। बाकी यही है अपना पटना।